गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है ज्ञान का पाठ्यक्रम और हमारा टॉपिक है ज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व। ये आज का हमारा जो है ये रहेगा पार्ट टू, क्योंकि पार्ट वन मैंने आपको कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था। कल की क्लास में भी हमने ज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व को पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमने इसके मुख्य मुख्य जो बिंदु है वो 7 बिंदु मैंने आपको करा लिए थे। 7 बिंदु हमने पढ़ लिए थे, जिसके अंतर्गत बिंदु थे कि चरित्र के विकास के लिए, व्यवसायिक विकास के लिए, रोजगार के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए। ये 7 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे कि ज्ञान की क्या आवश्यकता है, ज्ञान क्यों आवश्यक है, छात्रों के अंतर्गत ज्ञान कैसे कार्य करता है, छात्रों के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत और एक विद्यालय स्तर में ज्ञान है वो अपना महत्व कैसे बनाए रखता है, वो हम पढ़ रहे थे। तो हमने 7 पॉइंट कर लिए थे। अब हम इसके आगे की क्लास देखेंगे। हमारा 8वां पॉइंट है छात्रों के संतुलित विकास के लिए। छात्रों के संतुलित विकास के लिए ज्ञान कैसे आवश्यक है कि छात्रों के संतुलित विकास के लिए जब वह छात्र विद्यालय में जाता है, ठीक है, तो उनकी अलग से क्लास भी लगती है, स्वस्थ एवं शारीरिक शिक्षा, लेकिन इसके साथ साथ में भी उनको विद्यालय के अंतर्गत ये ज्ञान दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? शिक्षक द्वारा दिया जाता है। शिक्षक द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है कि भाई हमें हमारे शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, तो हमें रोज नहाना होता है, हमें रोज ब्रश करना होता है ना। ये सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? संतुलित विकास के अंतर्गत आती है। जब बच्चा स्वस्थ होगा तो सीधी सी बात है, जब बच्चा अंदर से स्वस्थ होगा तभी वह बाहर से स्वस्थ दिखाई देगा। इसके लिए जब बच्चा अंदर से स्वस्थ होगा उसके लिए उसको स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षाएं पढ़ाई जाएंगी और फिर बच्चे को, लेकिन शारीरिक शिक्षा के साथ साथ उसको मानसिक शिक्षा देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा शरीर से तो एकदम स्वस्थ है लेकिन वह मस्तिष्क से स्वस्थ नहीं है, वो सही से सोच नहीं पा रहा है, सही से चीजों को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी रुकावट है ज्ञान के माध्यम से। वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर होता है तो सारी की सारी चीजें हमें अच्छी लगती है। अगर मैं जिसकी मैं बीमार हो गई, मुझे बुखार आ गया या सर्दी खांसी हो गई तो सीधी सी बात है मुझे कुछ भी चीजें अच्छी नहीं लगेगी। मुझे ना तो किसी से बात करना अच्छा लगेगा, ना कुछ खाना अच्छा लगेगा, ना पानी पीना अच्छा लगेगा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए संतुलित विकास के लिए ज्ञान बहुत ज्यादा आवश्यक है और वो ज्ञान कहाँ पर कार्य करेगा? हमारे शारीरिक विकास पर कार्य करेगा और मानसिक विकास पर कार्य करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि एक छात्र के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संतुलित विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और संतुलित विकास किसके माध्यम से होगा? संतुलित विकास होगा ज्ञान के माध्यम से। और संतुलित विकास कौन देगा? संतुलित विकास शिक्षक द्वारा दिया जाएगा विद्यालय के अंतर्गत। हमारा 9वां पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया प्रभावशीलता के लिए, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है वो हमारी प्रभावशील होनी चाहिए, प्रभावी रहे, इसके लिए भी हमें ज्ञान होना बहुत ज्यादा अधिक आवश्यक है। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ज्ञान दोनों के लिए होना बहुत आवश्यक है। किसके लिए? एक तो छात्र के लिए भी होना आवश्यक है और दूसरा है शिक्षक के लिए भी होना आवश्यक है। हालांकि शिक्षक को तो संपूर्ण अधिगम प्रक्रियाओं का ज्ञान होना जरूरी है और फिर जब शिक्षक को पता होगा, जब शिक्षक कक्षा कक्ष के अंतर्गत वो सभी अधिगम प्रक्रिया कराएगा तो स्वतः ही छात्र भी सीख लेगा। जैसे कि आपके अभी कोर्स में है ना, आप बीएड कर रहे हो, आप एक कोर्स में है, कौन कौन से अधिगम प्रक्रिया है? तो एक तो है प्रस्तावना कौशल, है ना, मुख्य मुख्य बता
प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल है ना, लेखन कौशल, ये सारे के सारे कौशल आपके पाठ्यक्रम में विद्यमान है। शामपट कौशल, कि आप ब्लैक बोर्ड का यूज किस प्रकार से कर रहे हैं, हमें ब्लैक बोर्ड का यूज करना है और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशील बनाने के लिए एक शिक्षक को सभी कौशलों का, सभी अधिगम प्रक्रियाओं का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनमें से मुख्य मुख्य मैंने बता दिया है कि भी प्रस्तावना कौशल का ज्ञान होना जरूरी है, व्याख्या कौशल का ज्ञान होना जरूरी है, लेखन कौशल का ज्ञान होना जरूरी है और शामपट कौशल का ज्ञान होना जरूरी है। तो इन सब चीजों का हमें ज्ञान होगा, एक शिक्षक को ज्ञान होगा तो वो विद्यालय के अंतर्गत, कक्षा कक्ष के अंतर्गत उन सभी कौशलों का प्रयोग करेगा। जब वो कौशलों का प्रयोग करेगा तो सीधी सी बात है, बच्चा भी सीखेगा, बच्चा भी उनकी तरह ही कार्य करने की कोशिश करेगा कि भाई सर ने इस तरीके से प्रस्तावना दी है, हम भी ऐसे ही देंगे। हो सकता है कि आप और भी अच्छी दे सकते हो। इन सब सारी की सारी चीजों से, इन सभी के कौशलों से क्या होगा, जो शिक्षण अधिगम है वो प्रभावी रूप से बनेगा और बच्चा भी बहुत ही अधिक रुचि लेगा उसको पढ़ने में। मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, दोनों पॉइंट। ठीक है, मैंने आपको नौवां पॉइंट करा दिया था, अब नेक्स्ट है दसवां पॉइंट, वो है समायोजन क्षमता के विकास के लिए। समायोजन क्षमता के विकास के लिए, समायोजन क्षमता के विकास के लिए ज्ञान कैसे लाभदायक हो सकता है, कि समायोजन क्षमता के विकास से ही जो ज्ञान एक शिक्षक द्वारा बालकों को दिया जाएगा उससे क्या होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, उससे क्या होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। जब बालक को सही तरीके से ज्ञान देने के लिए शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक उसको नैतिक शिक्षा देगा, ठीक है। अब नैतिक शिक्षा के अंतर्गत वो क्या पढ़ेगा, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत वो ये पढ़ेगा कि हमें सबसे मिलजुल कर व्यवहार करना है, प्रेम की भावना रखनी है, दया की भावना रखनी है, है ना, हमें ना झूठ बोलना है, ना चोरी करनी है, ये सारी की सारी चीजें एक नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। उसको आध्यात्मिक शिक्षा भी कुछ हद तक देने की कोशिश करेगा, उसको भौतिक शिक्षा भी देगा। तो जब ये सारी की सारी शिक्षा नैतिक शिक्षा के अंतर्गत जब बच्चा पढ़ेगा तो समझेगा कि हाँ नहीं, हमें हमें संयम भी बनाए रखना है, हमें बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, हमें समायोजन भी करना है, तो वो सारी के सारे ज्ञान प्राप्त करेगा। अब वो इन सब जो समायोजन से संबंधित जो ज्ञान है, अब वो उसका उपयोग कहाँ करेगा, उसका उपयोग करेगा जैसे कि मैं क्लास के अंदर आई, मैं क्लास के अंदर आई और आपका मन नहीं है, आपका मन है पढ़ने का नहीं है, आप चाहते हो कि भाई हम तो कहानी सुनना चाहते हैं, ठीक है, कहानी सुनना चाहते हो, कविता सुनना चाहते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको पढ़ाना, कि मुझे मेरा सिलेबस भी तो पूरा करना है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चा अपने उस ज्ञान का, जब जो कि शिक्षक ने उसको पहले नैतिक शिक्षा से संबंधित दे रखा है या फिर उसने प्राप्त किया है, तो यहाँ पर उसका यूज करेगा, फिर वो समझेगा कि नहीं शिक्षक बड़े हैं, हमें शिक्षक की आज्ञा का पालन करना है। तो बच्चा अपने मन में छुपी हुई जो भी कहानी की इच्छा है, कविता की इच्छा है, वो उसको कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए दबा देगा और फिर वो भी पढ़ने चुपचाप से बैठ जाएगा। जिससे किसका विकास हुआ, समायोजन क्षमता का विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आत्माभिव्यक्ति के विकास के लिए, अब ये वाले टॉपिक से तो आप सभी वाकिफ हो, ठीक है, आप सभी अपनी जो मन की बातें होती है, जो आप सोचते हो वो बोल ही देते हो, तो आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा इस वाले टॉपिक पे। आत्माभिव्यक्ति क्या होती है, कि किसी भी विषय वस्तु से संबंधित
छात्र अपने विचार रख सकता है, वो उस विषय वस्तु से संबंधित क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा वो बता सकता है। हालांकि जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, हो सकता है किसी को सारी की सारी चीजें समझ में आ जाए लेकिन किसी को समझ में नहीं आए, तो वो अपने विचार के सामने रख सकता है कि मुझे इस टॉपिक के अंतर्गत ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। तो सबकी अलग अलग है, सबको स्वतंत्र है कहने के लिए, ठीक है। तो वो बच्चा कब कहेगा, जब उसे उस विषय वस्तु से संबंधित क्या होगा, ज्ञान होगा, जानकारी होगी, उस विषय वस्तु से संबंधित जानकारी होगी, तभी तो बच्चा बोल पाएगा ना, वरना वो क्या बोल पाएगा, वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा। जब हमें किसी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान है जानकारी है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं और हम स्वतंत्र है अपनी जो भी मन की बातें हैं उसको व्यक्त करने के लिए, ठीक है। मैंने दो पॉइंट दिखा दिए हैं, उसको मिटा रही हूँ। अब है 12वां पॉइंट है अवकाश का सदुपयोग। अवकाश का सदुपयोग, अब अवकाश के सदुपयोग में भी ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे कि भाई छुट्टियां तो होती है मस्ती मजाक करने के लिए, आराम करने के लिए, तो हाँ वो तो होती ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई टीचर कक्षा के अंतर्गत नहीं आया या किसी दिन मैं ही एब्सेंट हो गई, तो आप लोग क्या सोचते हैं कि भाई मजे हो गए, चलो आज तो बातें करेंगे पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जो वो जो खाली समय जो भी मिला है, एक घंटे का मिला है, दो घंटे का मिला है, उसका उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है, उससे उसमें आप किसी भी शिक्षक की मदद ले सकते हैं या फिर शिक्षक खुद आपको बता सकता है और बताएगा भी कि आपको कौन कौन से खेल खेलने चाहिए, आपको उस अवकाश के समय में खेल खेलने चाहिए जिससे कि आपके शारीरिक विकास के अंतर्गत वो लाभदायक हो सके। आपको जो मन करे वो खेल सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, है ना, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो खेल सकते हैं, आप खुद से सवाई अध्याय की रुचि बना सकते हैं, आप खुद से चीजें क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा कौशल का विकास कर सकते हैं जो आपके आगे भविष्य में काम आए। तो ये सारी की सारी चीजें किससे संभव है, सारी की सारी चीजें ज्ञान से ही संभव है। अगर आपको ज्ञान हो